तो गाइस हम पहुंच गए यहाँ और ये देखिए, हेलो, ये दीपक भैया है और भैया हर नॉन दिस देखिए और टाइम कुछ हो रहा है 12:10 और मैं उठा हूँ, आज नहाया हूँ, फिर अपना कुछ कॉलेज का असाइनमेंट किया हूँ और फिर मुझे लगा कि आज का दिन ऐसे बेकार नहीं करते क्योंकि मैंने ब्लॉग बहुत दिन से बनाया नहीं है। आपके पास तो बराबर पहुँच जाएगा क्योंकि मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ ब्लॉग बना के, जब तक मेरा कुछ 30-40 ब्लॉग नहीं होता है तब मैं अपलोड नहीं करूँगा और आप देख रहे होगे तब तक तो अपलोड हो ही गया होगा, लेकिन ये मेरा है वे जो कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा और ऐसे करूँगा, क्योंकि फिर होता है कि आपके पास जब रीच नहीं पहुँचते हैं तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो मेरे पास 30-40 होंगे जो कि ठीक है, अगर उसके बीच में कुछ नहीं हो पाया तो ट्राई करते रहेंगे और अगर हो गया तो ठीक ही है, थोड़ा सा आसानी होगा मेरे लिए, बस यही बात है। तो मैंने वीडियो बना के रखा है, बहुत अच्छा है, तो मुझे सब्सक्राइब कर लो यार पहले तो, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है जो कि आने वाला है, रखा हुआ है, ये नहीं है और एक फिक्स डेट पे आएगा जो कि ट्यूसडे और हर वीक के ट्यूसडे पर आएगा। तो अभी बहुत वीडियो है, आप सपोर्ट करते रहोगे तब तक मैं तो बना भी रहा हूँ अभी तो उस टाइम मतलब बना भी रहा होगा क्योंकि लास्ट में देखा जाएगा ना क्या होता है, लेकिन तब तक तो पढ़ ही रहा होगा। ऊपर से थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह है, बहुत ब्लॉग बनेंगे अभी और ऐसे सपोर्ट करो, मैं जल्दी ही मैं ब्लॉग भी बना दिया होगा तब तक कि बैंकॉक से बाहर तक का भी ब्लॉग बन गया होगा मैं एम श्योर, क्योंकि 30 ब्लॉग मैं केवल बैंकॉक में नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, 30-40 ब्लॉग मैं बैंकॉक के बाहर भी बना चुका हूँगा, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। तो चलो बताता हूँ, तो आज का प्लान ये है कि अभी कुछ असाइनमेंट और कर लेते हैं और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा यार, यहाँ बहुत गर्मी है थाईलैंड में और एक्चुअली नवंबर इंडिया में सर्दी आ गई होंगी बट थाईलैंड में गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ है और इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब ये सीज़न मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, थाईलैंड मत आना भाई नवंबर में, ठंडी की छुट्टी मनानी अपना प्लीज, नवंबर दिसंबर में मत आना, बहुत गर्मी है। थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है चियांग माई की तरफ में, थाईलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है। तो अभी मेरा प्लान जो था वो था वाट पकनाम जाने का, जो कि एक टेम्पल है, एक बुद्धा स्टैचू है जो कि बहुत बहुत बड़े हैं और ये जो है मेरे एक सीनियर ने सजेस्ट किया था, तो मैं आज उनके साथ जाऊंगा। अभी तो आप मेरा एक अनबॉक्सिंग देख लो पहले। तो गाइस आज हम ये अनबॉक्स करेंगे, तो निकाल लेते हैं। ये बैग है, एक मिनी कैमरा बैग। तो मैंने लंच ऑर्डर किया और पहले जा करके उसको रिसीव करता हूँ। तो गाइस मैंने ऑर्डर किया है 2 चिकन सॉसेस, स्टिकी राइस, 2 इसको भी ऑर्डर किया मैंने, चिकन फ्राई। तो मैं बहुत दिन से सोचता कि मैं डाइटिंग करूंगा पर हो नहीं पाता है क्योंकि ये दिल मानता नहीं है, ये मन, बट ठीक है, अगर आप आते हो थाईलैंड घूमने के लिए तो खाना अच्छे से खाना, क्योंकि आप एक्सप्लोर करने आए हो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप अगर थाईलैंड आते हो तो खाना जरूर टेस्ट करना और खूब दबा के खाना। तो गाइस अभी टाइम कुछ हो रहा है 3:50 और मुझे 4 वहाँ भैया को लेने पहुँचना था बट थोड़ी सी लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, गर्मी है बहुत यार, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधेरा बहुत लेट में वैसे भी होता है। तो गाइस इस छोटे से बैग में सब कुछ आ जाता है और बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब गड़ता भी नहीं है कहीं। तो ये मेरा पहले वाला बैग था जिसको मैं लेके चलता था, ये कैमरा बैग नहीं है, और ये मेरा दूसरा वाला, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत फैंसी भी है और बहुत प्रोफेशनल फील कराता है, जो कि मैं हूँ नहीं बट ठीक है, और निकलते हैं जल्दी से। Thank you.
गाइस हमारे साथ दीपक भाई हैं। हेलो। और हम लोग मैं इसको वाइड करूंगा आज। तो आज ये पार्क है ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे मूर्ति पे और फिर मूर्ति के आपको फोटो दिखाएंगे अच्छे से, अभी सॉरी वीडियो दिखाएंगे आपको अच्छे से। तो इसके बाद अभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मंदिर एक्चुअली कितना पुराना होगा? पुराना नहीं, अभी मतलब मैं 2019 में आया तब ये बन रहा था, मतलब बन चुका था, मतलब थोड़ा सा लास्ट इसका पार्ट बाकी था। तो समझ लीजिए 3 साल हुए या 2 साल हुए प्रॉबली। गाइस मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा दीपक भाई ने घुमाया यहाँ पे, ये मुझे ज्यादातर सजेस्ट करते हैं और करेंगे आगे। ये मेरे को हमेशा लेके जाएगा और देगा 500 बाट देगा। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई यूट्यूब की अर्निंग नहीं, आप करवाओ तो उसके हाथ देते हैं। बहुत पैसा, अंधा पैसा इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप 2 साल से ना जी? तो गाइस 2 साल से, और ये इंडियन है पूरे और ये यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रिप चाहिए थाईलैंड पढ़ने के लिए, वैसे पढ़ने के लिए कौन आता है? इंस्टाग्राम हैंडल मैं इसको दे दूंगा, ये मेंशन कर देंगे, आप इनसे ज्यादा लोग देखते नहीं पर जितने भी लोग देखते हो जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं दे दूंगा, ये देंगे जरूर पैसे लेके। तो गाइस ये हमारे पीछे मूर्ति है, ये देख सकते हो आप, ये कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, ये इतनी बड़ी मूर्ति है, कैमरा में इतनी छोटी लग रही होगी लेकिन ये बहुत बहुत ह्यूज है। अब एक बार देखे से तो एक अच्छा चीज़ गाइस कि हम अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलाउ कर दिया हम लोगों को, अलाउ कर दिया तो कब मजा आएगा। काफी सुंदर है। ये जितने भी सब चीजें हैं ना, सब क्राफ्टेड और हैंडमेड है जो थाई पीपल्स ने बनाई है। देखो यार ये क्या है, ये तोप है, और यहाँ पे विंटेज कार भी, विंटेज कार दिखाई इनको। हाँ विंटेज कार दिखाओ, ये तो देख सकते हो आप। और ये दीपक भाई आपका, ये सेल पे नहीं है, ये सेल पे नहीं, ये नहीं बिकेगी। ओके, पर दीपक भाई का वो है वो ये तो पता है अपने यूपी में चलती है तो वहीं ले जाके चलाऊंगा। पर ये बहुत पुराने टाइप का, आप देख सकते, मैं इसको भी अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये जो है लिखा है कि मर्सिडीज बेन, इसका जो मॉडल है वो है 170V, जो मैन्युफैक्चर हुआ था 1936 से लेकर 1945 तक, उसके बाद ये मॉडल आने बंद हो गया था हमारे आज़ादी से पहले का ये कार आप देख सकते हैं। ड्रम ही है ये, ड्रम है बजाने पे बहुत तेज आवाज आती होगी। हाँ कुछ ऐसा होता होगा जब अनाउंसमेंट होता होगा या फिर पुराने जमाने का, ये सब पुराने जमाने का है। ये पुराने जमाने के टेलीफोन है क्योंकि तो एकदम नहीं दिखते हैं। तो दीपक भाई आपने कभी ऐसा फोन देखा है? ये देखा बहुत पुराने जमाने में देखा था, 1 रुपए डालो तो 1 मिनट बात होती थी, मतलब 10 साल पहले। आपने कभी बात किया है? मैंने किया, बहुत पुराना, 10 साल पहले ही भी किया है। हाँ 10 साल मतलब जब मैं गुजरात में था, मतलब 2005 की बात है, 15 ईयर्स हो गए होंगे सबके पास। हाँ ये वाले सब यूज किया, बट ये वाले मैंने नहीं यूज किए, इसको मैंने मूवी में देखा, अमरीश पुरी यूज करता था। तो गाइस ये कुछ देखिए पुराने जमाने की स्टोन है, ये इंडेक्स स्टोन है, मतलब इनको मतलब शीशे में रखा गया है तो ऑब्वियसली है एंटीक ही है, एंटीक ही होंगे। ये पत्थर से इनको ये बनाया गया है, प्रॉब्ली मार्बल, ये भी ये मार्बल से बनाया हुआ मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये पुराने ज़माने में यहाँ के राजा और उनके मतलब घर के सदस्य लोग ये स्पून्स और ये ग्लासेस का यूज़ करते थे क्योंकि ये सब चांदी के हैं। दीपक भाई ये मेरे ख्याल से पुराने जमाने की अलमारी है। हाँ ये सब अलमारियाँ हैं, सब ये सब यहाँ पे सब पुराने हैं, मतलब यहाँ के राजा महाराजा के टाइम का ही सब कुछ है, सब कुछ भी चीज़ें सब मतलब अभी की नहीं, सब पुरानी, सब पुरानी। ये म्यूजियम का स्ट्रक्चर है जो कि ग्लास से बना है, एक पीस का ही पूरा, प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि ये
वो सब हैंड क्राफ्टेड है, सब हैंड क्राफ्टेड है। और मेरे ख्याल से ये सब 90s या 80s के पुराने चीज होंगे, और भी पुरानी हो सकती है, मतलब 90s के पुरानी है, मतलब नहीं कुछ नहीं। रॉयल सब रॉयल है, क्योंकि आज नहीं लोग अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि जैसे मतलब यहाँ के जितने भी किंग थे अभी तो मतलब राइट नाउ 10th किंग है, अभी समझ लीजिए कि हमारे 9th किंग जब मरे थे तो क्या बोलते हैं कि उनके जितने भी आइटम थे जो भी यूज करते हैं वो सब म्यूजियम में आ जाते हैं। तो अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, तो ये यहाँ के 10th किंग है जो अभी फिलहाल किंग है, और इनके फादर है 9th किंग और उनके वाइफ, और जो ये अभी के 10th किंग है उनकी है वाइफ है। तो यही फोटो है यहाँ पे, बाकी पूरा खाली है। तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। हाँ, दो पे तो कुछ था नहीं, तभी थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ मीटिंग होता होगा कुछ मॉन्क का, मीटिंग होता हो सकता है। तो ये हम लोग फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो थाईलैंड के जो पुराने पुराने जो मंक्स थे, जो बहुत ही बड़े मंक्स थे, उनकी मूर्ति है और उनके फोटोज भी साइड में लगे हैं। इसीलिए डोंट टच, मतलब कुछ बहुत अच्छे से हैंडक्राफ्ट है और बहुत यूनिक चीज़ है। तो गाइस ये लास्ट फ्लोर, ये सबसे ऊपर का फ्लोर है, और ये बहुत यूनिक चीज़ है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत, आपको शायद मेरा आवाज़ इको होते हुए सुनाई दे रहा होगा। ये पूरे शीशे से बना हुआ है, क्योंकि तो मैंने नीचे दिखाया था, और यहाँ पे ऐसा बनाया गया कि हमारी पूरी आवाज़ ही इको हो रही है। आपकी तो कुछ ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इको हो रही है, बट बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, और ये देखिए ये मूर्ति कितनी बड़ी है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है आपको कितनी बड़ी है। हम लोग अभी फोर्थ फ्लोर पे हैं, लेकिन अभी भी हम उनके पैर के पास तक पहुँचे हैं, तो ये कम से कम ये 10th फ्लोर बड़ी होगी ये मूर्ति, 10th फ्लोर। और यहाँ से पूरा नज़ारा अच्छा दिख रहा है आप। तो गाइस आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं अच्छा सा, और यहाँ से एक बहुत अच्छा हवा आ रहा है। मुझे लगता है एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी कि उनके अंदर एक स्टेयर्स होना चाहिए थे जहाँ हम लोग ऊपर टॉप तक जा पाएँ पब्लिक के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली गॉड है ये, तो लोग शायद नहीं अच्छा लगेगा उनके ऊपर चढ़ना ऐसे, तो ठीक है, अच्छी बात है जैसे भी है। और बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ से भी फ्री है, कोई टिकट कोई पास नहीं है, एक्चुअली टेम्पल है ये। नीचे जाते हैं मेन मूर्ति देखने के लिए। तो गाइस यहाँ हम लोग आए मूर्ति के पास, और अभी सनसेट हो ही रहा है धीरे धीरे करके, फिर ये आप देख सकते हो कितने बड़े लग रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं गाइस, तो हम लोग निकलते क्योंकि काफ़ी रात भी हो रहा है।
इंडिया के परसेप्शन से बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मेरे यूनिवर्सिटी में यूएस से भी हैं, कनाडा से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, जो कि इंडियन लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं वहाँ जाना। तो थाईलैंड चीप है और टूरिज़्म, अगर होटल एंड टूरिज़्म आप करना चाहते हैं तो थाईलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आपको कुछ जाना है तो दीपक भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम लिंक नीचे है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ सपोर्ट।